नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल 150 से कम हो जाए तो आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं, आपको कितनी बड़ी प्रॉब्लम से बचाया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से कम कर सकते हैं। देखिए, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिससे हम कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं, पर कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जहां भी बात आती है तो बहुत सारी ऐसी कम चीजें होती है, बहुत सारी ऐसी लिमिटेड चीजें होती है जिसकी मदद से हम कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं, यानी कि हाई से लेके लो तक लेके आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में और कुछ ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से अपने कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं और ऐसी कई प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, जैसे हार्ट अटैक हो गया, हार्ट में ब्लॉकेज वगैरह हो गया, नसों में ब्लॉकेज हो गया, डायबिटीज हो गया, इसको आप रिस्क को आप कम कर सकते हैं, इन प्रॉब्लम्स को आप ठीक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जानेंगे कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल में क्या क्या नहीं खाना चाहिए और किन वजहों से आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है और क्या चीजों का हमें सेवन करना चाहिए जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स होते हैं, जब हम उल्टा सीधा खा लेते हैं तो यह हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, यह हमारी बॉडी इसे प्रोटेक्शन करती है, यह हमारी बॉडी में बनता भी है। यदि हम ओरल ना भी लें तो हमारी बॉडी इसे बनाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में इसे हमारी बॉडी को नीड्स है। जब हम बाहर से यदि कोलेस्ट्रॉल अत्यधिक मात्रा में लेते हैं तो हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम इसे टोटल लेना बंद कर दें तो भी हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। यदि हम बाहर से यदि बहुत ज्यादा मात्रा में कोलेस्ट्रॉल ले रहे हैं, यदि हम इसे लेना भी बंद कर दें तो दोनों कंडीशन में हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो हमें कई ऐसे उपाय करने चाहिए और बहुत ही जल्दी इस उपाय को कर लेना चाहिए। यदि हमें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स है तो इसे हमें जरूर करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है। प्रायः प्रायः सभी लोगों को पता है कि जैसे बाहर की जो चीजें होती है, पैकेट्स के जो फूड होते हैं, उसे यदि हम लेते हैं तो उसके कारण हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जो मार्केट की चीजें होती है उसमें अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। जैसे एग्जांपल में रिफाइंड ऑयल जो हम घर में यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा हानिकारक तत्व पाए जाते हैं, और जो मार्केट की चीजें होती है, पैकेट्स वाली चीजें होती है, यदि हम उसे यूज करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ऑयल वाली चीज यदि हम यूज करते हैं तो जिसके कारण हमारा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। एग्जांपल में मैं आपको बताऊं तो जैसे समोसा हो गया, बर्गर हो गया, पैटीज हो गया, इन चीजों में अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। यदि आप इन चीजों का सेवन कर रहे हैं तो इसे आप तुरंत ही बंद कर दीजिए। यदि आप सही में अपना कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं, यदि आप सही में इस समस्या को क्योर करना चाहते हैं, आप इस बीमारी से ठीक होना चाहते हैं, तो ऑयली वाली चीजों का ज्यादा सेवन आप ना करें और बाहर की चीजों का सेवन बिल्कुल भी ना करें जिसमें अत्यधिक मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो इन्हें टोटली आपको बंद करना है। दूसरा, आपको क्या खाना चाहिए। देखिए, जितने भी प्लांट्स वेज होते हैं, प्लांट्स फूड होते हैं, वहां आपको खाना चाहिए। प्लांट फूड्स क्या होते हैं, जितने भी हरी सब्जियां होती है, जितनी भी सलाद होती है, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, उसे आपको खाना चाहिए। उसमें कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स नहीं होते हैं, यदि उसमें थोड़े बहुत यदि होते भी हैं तो वहां नेचुरली लिपिड्स होते हैं, उसमें उतनी मात्रा नहीं होती है जितना हम बाहर का
फूड्स खा रहे हैं उस वहा बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स है। यदि इसमें किसी भी तरह का इसमें नेचुरल लिपिड्स होते हैं, नेचुरल कोलेस्ट्रॉल्स इसमें पाया जाता है और यह हमारी बॉडी के लिए हानिकारक बिल्कुल भी नहीं होता है। यदि आप अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल, हरे सब्जियां, सलाद का आपको यूज करना है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी चीज कि जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वह 200 से ऊपर चला जाए तो कितना हमें नॉर्मल मानना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है 120 से 150 यदि आपका कोलेस्ट्रॉल है तो आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 आ जाता है, 180 हो जाता है तो आपको अलर्ट होने की आवश्यकता है, घबराने की आपको आवश्यकता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल 200 है तो आप सावधान हो जाइए और आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करना चाहिए। अब बात करेंगे दोस्तों, ऐसी कौन सी चीज हमें खानी चाहिए जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाए। सबसे पहले मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा दोस्तों लहसुन। लहसुन में एलिन, एल्सिन और सल्फर नामक ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। होम्योपैथिक में इसका मदर टिंचर आता है जिसका नाम है दोस्तों एलियम सेटाइवा। अब आप सोचते होंगे कि आपको लहसुन कितनी कली खाना चाहिए। सुबह खाली पेट आपको एक या दो कली डेली आपको यूज करनी चाहिए जिससे हमारा जो वेट कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल जो हमारा वेट कोलेस्ट्रॉल है उसे यह कम कर देता है और जो हमारी नसों में ब्लॉकेज होते हैं, हार्ट में जो ब्लॉकेज होते हैं उससे जो हमारे जो रिस्क फैक्टर होते हैं वह हमारे शरीर में कम हो जाते हैं। यदि आपको लहसुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो मदर टिंचर फॉर्म में होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हैं। मैं लहसुन की कली की एक फोटो लगा देता हूं और एलियम सेटाइवा जो लहसुन से होम्योपैथिक में मेडिसिन बनाई जाती है यह मदर टिंचर फॉर्म में बनाई जाती है, इससे आप ले सकते हैं। इसका यूज आपको एक कप पानी में 15 बूंद सुबह, 15 बूंद दोपहर में, 15 बूंद रात में कंटिन्यू आपको लेते रहना है जब तक आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल ना हो जाए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आपको कली खानी है लहसुन की तो आप लहसुन खा सकते हैं या मदर टिंचर फॉर्म में भी होम्योपैथिक में मेडिसिन है उसका यूज कर सकते हैं या हमारा एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम कर देता है ताकि जितने भी हमारी बॉडी के रिस्क फैक्टर होते हैं वह कम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा ओट्स। ओट्स बहुत ही इफेक्टिव है हमारे कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करने के लिए। प्राय सभी इस ओट्स का नाम जानते हैं। इसे आपको किस मात्रा में लेनी है, सुबह 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच आप इसे ले सकते हैं। इसे पानी के साथ भी लिया जाता है और इसे दूध के साथ भी लिया जाता है। आपको जो सूटेबल लगे आप इसे यूज कर सकते हैं। ये जो ओट्स होते हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करता है जो और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल उसको यह कम करता है और जो नसों में ब्लॉकेज की समस्या होती है, डायबिटीज की समस्या होती है और जो हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल होता है जो उसके जो रिस्क फैक्टर होते हैं इससे हम बच सकते हैं, इसे हम कम कर सकते हैं। थर्ड नंबर में रिकमेंडेड करूंगा दोस्तों मेथी के दाने। मेथी के दाने आप खा सकते हैं, इसे भिगोकर आप खा सकते हैं या मेथी के जो दाने का जो पानी होता है रात्रि में इसे भिगोकर आप रख दीजिए। सुबह जो पानी बचता है इसे आप छना के पी लीजिए और जो थोड़ा बहुत आपका जो मेथी का दाना है उसे चबा के खा लीजिए। इससे जो होता है हमारा कोलेस्ट्रॉल कम होता है और जो वेट कोलेस्ट्रॉल होता है जिसके कारण हमारे आर्टरीज में ब्लॉकेज वगैरह होने लगते हैं ये सारे रिस्क फैक्टर हमारे कम हो जाते हैं। तो इसे आप डेली आपको यूज करना है। अब आप सोचते होंगे कि हमें कितना मेथी के दाने यूज करना है। समथिंग आपको 5 ग्राम मेथी के दाने डेली आप यूज कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की, किन होम्योपैथिक मेडिसिन का हम यूज करें ताकि हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी कोलेस्ट्रॉल हो वह कम हो जाए। दोस्तों मैं आप पिक्चर लगा देता हूं, आप देख लीजिए कोलिस्टिनम टैबलेट्स आती है, इसका हमें यूज कंटिन्यू करना है या किसी भी कोलेस्ट्रॉल में यूज किया जाता है। इसमें मीठी गोलियां होती है, 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में, 2 गोली रात में, मीठी गोली है, चूस के खाना है। इसे यदि आप कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो कंटिन्यू आप जब तक आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है आप इसका सेवन कर सकते हैं।
नेक्स्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक में एलियम सटाइवा, मैंने आपको बता ही दी है। और नेक्स्ट मेडिसिन है कैल्केरिया कार्ब। कैल्केरिया कार्ब ओबीस पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल की हमेशा परेशानी बनी रहती है वह व्यक्ति इसे 30 पोटेंसी में यूज कर सकता है। चार बूंद सीधे डायरेक्ट टंग डोज में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, चार बूंद सुबह और चार बूंद शाम को। कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज 2 से 3 महीने तक किया जाता है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। बीच बीच में भी इस मेडिसिन का रिपीटेशन किया जाता है ताकि किसी भी तरह का कोई भी रिस्क फैक्टर हमारी बॉडी में देखने को ना मिले। तो दोस्तों इस तरह से आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो लाइव क्लिनिक में आप पूछ सकते हैं। डेली 9 बजे मैं लाइव आता हूं, तो आप लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। स्क्रीन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली मेंबर्स में जरूर शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो को वहां देख के ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।